अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गफूरिया फ्रूट फार्म पे इस वक्त ये फ्लावरिंग जो है ये तब्दील हो रही है फ्रूटिंग में। सीडलेस लेमन के फील्ड में आप ये इसको देखा जा सकता है कि फ्लावरिंग जो है वो अब तब्दील हो रही है, फ्रूट बन रहा है। और इस स्टेज पे जब आपके प्लांट पे ये पोजीशन हो फ्लावरिंग की और फ्रूटिंग की, तो फिर एक जो है वो अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि जनाब वो हमारा तो काफ़ी सारे फूल गिर गए और हमारा जो है वो फल गिर गया। तो ये जब एक प्लांट पे इस मकदार से और इस हिसाब से फूल और फल आएगा, तो फिर उसको उस हिसाब से ही खुराक भी चाहिए होगी, खाद भी चाहिए होगी, और मुतवाजन खाद चाहिए होगी और पानी भी। अब ये है कि हम ज़रूरी समझते हैं कि बस गीला शिकवा करके हम अपना गुजारा कर लें। पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जिस वक्त चाहिए और जिस हद तक चाहिए, वो हम जो है वो उसमें इग्नोरेंस कर जाते हैं। तो ये अब स्टेज है, इस स्टेज पे आप जो है सारे ही सिट्रस ग्रोवर्स और खसूसन लेमन के ग्रोवर्स जो हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। गैर ज़रूरी पानी से भी बचना है, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई सोका दे देना है। और बस आपने पूरी ये आज जो है मार्च की 16-17 तारीख है, तो इसको बस अगले 10-15 दिन बहुत ज़्यादा देख के इसको सोका भी ना आए और पानी ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो, और खाद जो है और बैलेंस डाइट जो है वो इसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।